दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 13 जुलाई 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, भाई देखो मैं तो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हूँ। हमारा महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, मोबाइल नंबर 99 50 60 85 51, व्हाट्सएप नंबर 63 75 46 73, और यूट्यूब अकाउंट मिशन ग्रेट इंडिया, फेसबुक अकाउंट मंगलम काउंसलर। देखो ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, MDSS या सुबह सुबह होने पर तो बड़ा शांति के साथ रहना चाहिए, लेकिन अभी मैंने एक फ़ोन किया और हॉट एक्सचेंज हो गई। तुम पूछोगे भाई मंगल बताओ बताओ किससे हॉट एक्सचेंज हो गई। अरे भाई वो है ना जो बिजली देवी, इलेक्ट्रिक गॉडेस, उससे मेरी हॉट एक्सचेंज हो गई। आज मुझे उसका एक कारनामा ध्यान आया, मैंने सुबह सुबह उसको फ़ोन मिला दिया। मेरे वो क्लिप तो पास है नहीं, मैं उसका आपको बातों का लिखता हूँ। मैंने फ़ोन लगाया, हेलो हेलो हेलो, क्या बिजली देवी बोल रही हैं, क्या बिजली देवी बोल रही हैं? उधर से उत्तर आया, हाँ जी, मंगल जी बोलो बोलो, आज कैसे याद किया? देखो सुबह सुबह मैं 4 बजे फ़ोन लगा दिया मैंने बिजली देवी को, मुझे कुछ किसी बात के लिए गुस्सा आ रहा था। हेलो हेलो, क्या बिजली देवी बोल रही हैं? उधर से उत्तर आया, हाँ जी, मंगल जी बोलो, कैसे सुबह सुबह याद किया? अब मैंने फिर बोला, क्या सुबह सुबह याद किया देवी जी, परमात्मा ने आपको स्वर्ग की एक देवी बनाया है, फिर तुम ये गलत काम करती हो। मैंने उसको कहा, देवी जी आपको परमात्मा ने स्वर्ग की एक देवी बनाया है और फिर तुम ये गलत सलत काम करती रहती हो। उस देवी ने जवाब दिया, क्या मंगल जी, मैं कुछ समझी नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई मैं बहुत सज्जन पुरुष हूँ, सीधा साधा हूँ, ठंडे दिमाग का हूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा मेरी नाक से टपकने लग जाता है। मैंने कहा, समझी नहीं कि बच्ची, मैंने बिजली देवी को कहा, समझी नहीं कि बच्ची, परसों तुमने जयपुर आमेर किले पर क्या किया, वहाँ गिरकर 10-11 लोगों को मार दिया, किले पर 10-11 लोगों को मार दिया तुमने। मैंने उसको कहा कि तुम सोच समझ कर काम क्यों नहीं करती, हे बिजली देवी तुम सोच समझ कर काम क्यों नहीं करती? बिजली देवी का उत्तर था ये, देखो सर बोलो क्या गलती हुई उसमें क्या गलती हुई। परमात्मा का ऑर्डर ऐसा ही था। मैंने कहा, देवी देखो, क्या तुम जयपुर में जो बिजली गिरना ही था तो राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर गिर सकती थी। देखो जब तुम्हें जयपुर में गिरना ही था और कुछ नुकसान करना था तो क्या राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग पर नहीं गिर सकती थी? तुम्हें तो वहाँ गिरना चाहिए था। इसमें एक पंथ और कई काज हो जाते। अब की बार ध्यान रखना बिजली देवी, वहीं गिरना, वरना हमें और कोई इंतजाम करना पड़ेगा। बिजली देवी ने जवाब दिया, सर इसके लिए तो आप भगवान से बात कर लें।
सर इसके लिए तो आप भगवान से बात कर रहे हैं, वी आर एट हिज डिस्पोजल, हम तो उसके बंदे उसके निर्देशों पर काम करते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ कर लूँगा कोई बात नहीं, उससे बात करना कोई बड़ी बात नहीं, वो मेरे पास आता रहता बैठा रहता मेरे पास, लेकिन तुम ध्यान रखना ऐसी गलती मत करना, मेरा अपराध लोगों को वहाँ मार दिया, अरे जब कुछ करना था तो ये, और मैं बड़बड़ाता ही रहा। आप पूछते होंगे कि मंगल भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों भाई देखो फिर ये ट्रायंगल मेरे प्रश्न का जवाब देता है, मेरे ट्रायंगल से ही सारे संदेश आते हैं, परमात्मा इन्हीं के थ्रू देता है, पता नहीं कैसा इंस्ट्रूमेंट है। देखो ए क्या है, वहाँ राजस्थान हाई कोर्ट में क्या है जयपुर ब्रांच में, कि अन्याय और मानव बध की प्रणेता मनों की स्मृति वहाँ लगी हुई है, अन्याय और मानव बध के प्रणेता मनों की स्मृति वहाँ लगी हुई है। जब ऐसे लोगों की वहाँ मूर्ति लगी हुई है तो वहाँ न्याय कैसे होगा, वहाँ न्याय नहीं हो सकता, कैसे नहीं हो सकता। देखो मेरा एक केस कोई 18 साल से बी नंबर देखिए ट्रायंगल बनता, ये मैंने बताया क्यों न्याय नहीं मिलता, क्यों न्याय नहीं हो रहा, क्योंकि अन्याय के ठेकेदार की मूर्ति जो वहाँ लगी हुई है प्रणेता की, बी देखिए 20-20 साल से लाखों पेंडिंग केस वहाँ पड़े हैं, लेकिन ये बेशर्म जज और सिस्टम ये वकील हा हू करते हैं, इनको कोई चिंता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता इनको शर्म नहीं आती अपनी तनख्वाह लेते हुए, इनको शर्म नहीं आती अपनी तनख्वाह लेते हुए। मेरा भी एक कोई 18-17 साल से केस पड़ा हुआ है, और वो केस क्या पड़ा हुआ है, उस केस में क्या होगा, 18 साल में एक हियरिंग नहीं हुई, डिसीजन के लिए पड़ा हुआ है 18 साल से हाई कोर्ट में, एक हियरिंग नहीं हुई, ये कैसा अन्याय है, ये कैसा सिस्टम है ये। इसलिए भाई मैं तो कोशिश करूँगा कि अगली बार बिजली हुई गिरे। और तीसरा ये हाई कोर्ट क्या करती है, जब मैं वहाँ जाता हूँ पता नहीं क्या आँखों की बीमारी उन्होंने दे दी है, वहाँ जो काले काले से मुझे दिखाई देते हैं, काले काले से मुझे दिखाई देते हैं, वो क्या सी नंबर हम कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये जज है ये वकील है, लोग कहते हैं कि ये जज है ये वकील है, लेकिन पता नहीं मेरी आँखों का फ़र्क है कि वो सचमुच में ऐसा ही है, वो मुझे गिद्ध दिखाई देते हैं। ये जज वकील बैठे बतलाइए, वो मुझे गिद्ध दिखाई देते हैं, पता नहीं ये कैसी बीमारी डेवलप होगी। बताओ राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर ब्रांच कितनी भयानक जगह है, यहाँ पर तो भयानक बिजली गिरेगी, या फिर कोई विस्फोट होगा, या फिर कोई ऐसा विपद्रव होगा, आज नहीं तो कल नहीं, कल नहीं तो परसों। मैं भगवान से बात करूँगा कि ऐसे निरापराध लोगों पर इस बिजली को मत गिराया करो, अरे इस बिजली को यहीं गिरा देते और वो मेरा काम करेगा, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे कहता हूँ तो बहुत से केसों को स्वीकार कर ही लेता है। तो दोस्तों देख लो अगली बार मैं ईश्वर से कहूँगा भाई बिजली गिरे तो यहाँ गिरे, वरना कोई भयानक एटम बम इस पर पड़ेगा या फिर और कोई कांड होगा, क्योंकि ये षड्यंत्र का ये ट्रायंगल बताता है कि जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे लक्षण मिले भाई वहाँ पर तो कोई भयानक उपद्रव होना मांगता है। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत। सुबह सुबह मैं आपके सेवा में बैठ रहता हूँ, जैसे मुझे संदेश बैठ रहते हैं, देखो ये जबलू राम ये बैठा हुआ बिना कोई कपड़े वपड़े पहना आप लोगों की सेवा में बैठा हुआ है, भाई अब क्या करें। चलो आप लोग
ध्यान देते नहीं। आज मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया मुझे कल कि मंगल जी, ये छोटे छोटे ने ये इस पर ने बना कर आप तो वो बड़े बोर्ड पर ही वीडियो बनाया करो। मैंने कि भाई आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र जो नागपुर से हैं, इस तरह से लोग सजेशन ही देते रहे कि ऐसे वीडियो बनाओ, इसमें ऐसे करो, इसमें एडिटिंग ऐसा करना चाहिए और इसमें म्यूजिक कभी कभी डाल देते हैं गानों का, वो डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो स्टार्टिंग में है या लास्ट में, या फिर कितना, फिर गाने या उनकी धुने, और भी बहुत से सजेशन हो सकते हैं। लेकिन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। लोगों को क्या चिंता है, जब वह ईवीएम और पुलवामा जैसे कांडों की तरफ ध्यान नहीं देते, वो मेरी तरफ क्या ध्यान देंगे। तभी तो देश सफ़र कर रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं और अभी और भी करेंगे, क्योंकि उदासीनता तो अपना असर दिखाएगी। इस भाई ने कहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैंने मन ही मन कहता रहा, भाई दोस्त आप तो रिटायर्ड डबल ए हो, इंश्योरेंस कंपनी से 30-40 हज़ार रुपये पेंशन आती होगी, आती है 20-50 लाख रुपए खाते में पड़े होंगे जो मिले होंगे। तुमको पता नहीं कि कोई कैसे वीडियो बनाता है, कोई किसी का क्या हाल है, फिर भी सेवा कर रहा है। फिर भी आपने धन्यवाद दिया, फिर भी आपने ये जो सजेशन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। दोस्तों, इस दुनिया ने, लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ दिया है, आप भी अपना ग्रेटिट्यूड ऑफर करें। देखो, एडिसन ने ये बल्ब, ये जो बल्ब हमारे सामने है, इसको डेवलप करने में बिजली का आविष्कार तो हो गया, और ये पता चल गया कि बिजली से लाइट पैदा होती है, और उस लाइट, बिजली से लाइट को लाने में उसको 20,000 प्रयोग करने पड़े, तब जा कर के ये बल्ब अस्तित्व में आया जो हमारे कमरों को चमकाता है। ऐसे ही मुझे हजारों प्रयोग करने पड़ रहे हैं। फिर भी आप कोई अच्छे सजेशन दे दें तो बड़ा अच्छा हो, वरना आपको भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाले, क्योंकि उदासीन लोग क्या फ़ायदा उठाएंगे। इस संसार में सब कुछ है, हमारे सामने है, परमात्मा हमारे सामने खड़ा है, पत्ते पत्ते में जर्रे जर्रे, हम ध्यान से देखें, अपना कर्तव्य करें तो वह हमको प्रत्यक्ष दिखेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।